आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूंगा और यह क्वेश्चन मुझसे एक 43 ईयर की महिला ने पूछा है और यह महिला मैरिड हैं। इनके दो बच्चे हैं, बच्चे दोनों अब बड़े हो चुके हैं। इनके एक हस्बैंड भी हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी से भरा हुआ है। और इन महिला का क्वेश्चन है कि सर, आज से ठीक 5 साल पहले मेरे पीछे एक 28 साल के युवा पड़ा था और वह युवा मुझे अपनी बातों से कन्विंस कर लिया और मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ मेरा लव एंड अफेयर हो गया। हालांकि वह युवा बहुत ही वफादार, लॉयल और अच्छा इंसान है, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गई और उसके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया हस्बैंड के होते हुए। शुरुआती दौर में मेरे जीवन में 4 चांद लग गए। ऐसा मुझे लगा कि इस लड़के से मैं रिलेशनशिप बना करके, इस लड़के से मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला करके अपने जीवन में काफ़ी खुश हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं मानसिक तनाव में आने लगी। मेरे अंदर हीनता का भावना आने लगा कि मैं पाप कर रही हूँ। दो बच्चे की माँ हो करके एक हस्बैंड भी हैं, मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। और यह हीनता की भावना धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वर्तमान समय में मेरा ये हाल है कि मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, मानसिक उलझन और मानसिक परेशानी में रहती हूँ, हमेशा बुझा बुझा फील करती हूँ। हालांकि यह लड़का जो मेरा लवर है आज भी मेरे साथ है। ये लड़का लॉयल है, ऐसा नहीं कि बुरा इंसान है। यदि मैं आज कह दूं कि तू मेरा पीछा छोड़ दे तो वह लड़का अभी मेरा पीछा छोड़ देगा। और इसी लॉयल्टी की वजह से, इसी वफादारी की वजह से मैं आज भी इसके साथ रिश्ते निभा रही हूं और हम दोनों के बीच में रिश्तों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि यह लड़का मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करता है। मैं कहीं मार्केट जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, कहाँ कब किससे मिलने जा रही हो। हालांकि सवाल पूछना सही है, लेकिन अब इस सवाल से मैं परेशान होती हूँ। शुरू में जब यह लड़का सवाल ऐसा पूछता था तो मुझे खुशी महसूस होती थी कि चलो कोई मेरा परवाह करता है, कोई मुझे दूसरे मेल से बात करते हुए देख करके जलता है, यानी कोई मुझे रियल में प्यार करता है। लेकिन वर्तमान में मुझे उसका यह रवैया अच्छा नहीं लगता। ओवरऑल मेरा जो बॉयफ्रेंड है वह ठीक ठाक है, कोई बुराई उसमें नहीं है, थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा परेशान करता है, बट ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आंतरिक रूप से बहुत ही असहज महसूस करती हूँ, तनाव में रहती हूँ, पीड़ा में रहती हूँ, शरीर भी बीमार रहता है, पूरा जीवन बुझा बुझा सा रहता है। इसका उपाय क्या है मुझे बताएं। देखिए, इस पे मैं बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से आंसर करने वाला हूँ। ऐसा आजकल के समय में बहुत सारी महिलाएं फेस कर रही हैं। वर्तमान समय में काफ़ी सारी ऐसी फीमेल हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इस तरह की अवस्था उनके जीवन में आ जाती है। इसके पीछे का कारण है, कारण ये है कि मनोविज्ञान में एक टर्म यूज किया जाता है, सबकॉन्शस इफेक्ट, अवचेतन प्रभाव। अवचेतन प्रभाव का मतलब, यानी सबकॉन्शियस इफेक्ट का मतलब कि आपका विश्वास ही आपका वजूद बन जाता है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, आपका विश्वास ही आपका वजूद बन जाता है। तो यहाँ एक इंडियन संस्कारी फीमेल के अंदर जब वह युवा होती है तो उसके दिमाग में उसके माता पिता पति और जो भी उसके आसपास शुभचिंतक होते हैं गार्जियन के रूप में या फ्रेंड सर्किल के रूप में, ये बात हमेशा दिमाग में डालते रहते हैं कि शादी के बाद किसी और से संबंध बनाना अनैतिक है, गलत है, अवैध है, पापपूर्ण है।
और इतना तक तो सही है, लेकिन वर्तमान समय में जितने भी धर्म गुरु हैं इस पे और तेल मसाले लगा करके आपके दिमाग में एक बिलीफ डालते हैं कि आपने शादीशुदा होते हुए भी गैर पुरुषों से संबंध स्थापित किया तो आप नरक के भागीदार हो, और यदि आप शादीशुदा पुरुष हो और आपने पर स्त्री गमन किया तो भी आप नरक के भागीदार हो और आप नरक में ही जाओगे, आपका जीवन व्यर्थ है, आप पापी हो, आप निकृष्ट टाइप के इंसान हो। और जब इस तरह की बातें एक फीमेल बार बार सुनती रहती है, बार बार दोहराती रहती है अपने मन और मस्तिष्क में यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज देख करके, आसपास की कुछ ऐसी घटनाओं को देख करके, तो उसके अंदर इस तरह का विश्वास बन जाता है कि मैं भी तो ऐसे ही कर रही हूँ, अपने पति और बच्चे को होते हुए भी किसी गैर लड़के के साथ संबंध स्थापित कर रही हूँ चोरी चुपके, तो मैं भी पाप कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि जैसा आपके अंदर विश्वास होगा वैसा ही आपका वजूद होता चला जाएगा, जैसा ही आपके अंदर बिलीफ होगा वैसा ही आपका वजूद होता चला जाएगा। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है कि मनुष्य को अपने जीवन को हमेशा उस दिशा में लेकर के जाना चाहिए जहां आपको सकारात्मक फील हो। यदि आपके अंदर नकारात्मक एक्सपीरियंस होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को चला करके और आप लंबे समय से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, तो आपको इस तरह की बातों पे, धर्म गुरुओं की बातों पे, परंपरागत बातों पे जो आपके अंदर नकारात्मक विश्वास पैदा करता है और यही विश्वास आपका वजूद बनते चला जाता है, इस पे ध्यान ना दे करके आप इस पे ध्यान दे कि आपने जो अब तक किया वह एक प्राकृतिक सम्मत एक्टिविटी था, वह एक प्राकृतिक क्रिया था कि एक मेल एक फीमेल से आकर्षित होती है, एक फीमेल एक मेल से आकर्षित होती है, यह बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और इसी नेचर के प्रभाव में आकर के आपने बायोलॉजिकली किसी और गैर मेल से, किसी और लड़के से हस्बैंड के होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया जो कि पार्ट ऑफ नेचर है। तो इसमें किसी भी प्रकार का रिग्रेशन और अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप रिग्रेशन और अफसोस फील कर रहे हैं, पाप पूर्ण हरकत मान रहे हैं, तो आप अपने अंदर के बिलीफ को चेंज करिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि रिलीजन ने आपके बेडरूम से लेकर के टॉयलेट से लेकर के किचन रूम तक के अपना स्थान बना चुका है, और जब जब रिलीजन किसी व्यक्ति के जीवन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो व्यक्ति अपने शरीर और मन को आनंद प्राप्त करने में नहीं लगा करके हमेशा भय में जीता है। धर्मों का व्यापार भय के आधार पर खड़ा है, और मैं आपको एक यौन मनोवैज्ञानिक होने के नाते अपने अध्ययन और अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि धर्म आपको भयक्रांत करता है, और जो चीज आपको भयक्रांत करता है, भयभीत करता है, वह आपके जीवन में कभी खुशियां और सुकून नहीं देगा, हमेशा आपको वैसी ओर इशारा करेगा जिसे आप अपने इस वर्तमान जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे स्वर्ग की अवधारणा, जन्नत की अवधारणा, जो आप शरीर और मन को होते हुए नहीं प्राप्त कर सकते, मरने के बाद किसी को प्राप्त होता है नहीं होता है कौन जाने, उसकी कौन फिक्र करे, लेकिन धर्मों ने ऐसा ही आपको अफीम पिलाया है। तो धर्म का यूटिलाइजेशन है, धर्म का उपयोग है, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करें, ना कि अपने आप को बर्बाद करने के लिए धर्म का उपयोग करें। यदि धर्म आपके अंदर नकारात्मक बिलीफ पैदा करता है और वही नकारात्मक बिलीफ आपका नकारात्मक वजूद का निर्माण करता है, तो ऐसे धर्मों को, ऐसे धार्मिक विश्वास को सीधे किक आउट करिए, लात मार करके बाहर करिए। क्योंकि जब तक आप इस शरीर और मन में रहेंगे आप जीवन भर आनंदित और खुशियों में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि धर्मों का आधार ही भय है। और एक महत्वपूर्ण बात,
कोई भी धर्म आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता। और हमेशा ये स्मरण रखिए कि आपका जीवन एक निश्चित समय तक है। कितना भी आप धार्मिक हो जाएं, आप मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन धर्मों ने भय दिया है स्वर्ग का, जन्नत का, पुण्य का, और इसी भय के आधार पर धर्म का वजूद होता है, और आपका वजूद धीरे धीरे दुख और पीड़ा के आगोश में समाता चला जाता है। तो धर्म को एक सीमा तक ही स्थान दे, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए धर्म का प्रयोग करें। और स्वार्थ बहुत ही सकारात्मक टर्म है। स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ, अपने आप को, अर्थ को समझिए। और हर व्यक्ति का अलग अलग स्व का अर्थ है, यानी हर व्यक्ति का अलग अलग स्वार्थ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नकारात्मक बिलीफ को आप निकालिए, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, और आप नेचुरल प्रोसेस से गुजरी हैं और अपने जीवन में आनंद ली हैं, और अब वक्त आ गया है कि इस नेचुरल प्रोसेस को स्किप करके आगे बढ़ें। और आगे बढ़ना भी नेचुरल प्रोसेस ही है, क्योंकि जीवन हमेशा दो पहलू के बीच में झूलता रहता है, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो बुरा या तो अच्छा। तो आपको ये चीज़ें बुरी लग रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और अच्छाई की ओर चल सकते हैं। और जो आपने पास्ट में मान रखा है कि बुरा किया है, वह भी एक प्राकृतिक का हिस्सा है, और जो आप भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं वो भी प्राकृतिक का ही हिस्सा है। तो दोनों पहलुओं को संभाल करके अपने जीवन में चलें। कोई भी चीज़ यहाँ पे अस्थाई रूप से गलत नहीं है, अस्थाई रूप से सही नहीं है, सब जीवन के क्रम में आया हुआ पड़ाव है। आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, वह एक जीवन का नैसर्गिक और प्राकृतिक पड़ाव था, और अब आप आदर्शवादी जीवन जीना चाहते हैं, अब आप धार्मिकता के प्रभाव में आना चाहते हैं, और इस प्रभाव में आने की वजह से आप ज़्यादा नकारात्मक दिशा में चले गए हैं। तो आप अपने अंदर के नकारात्मक बिलीफ को निकालिए, ताकि आपका वजूद सकारात्मक हो सके, और अपने जीवन की प्रकृति को समझिए और आनंदित होइए। जो आपने किया वह बिल्कुल प्राकृतिक था, और आगे जो आप सोच रही हैं वो भी प्राकृतिक का ही हिस्सा है। तो कहीं से संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इंसान पता है क्या करता है, दो पैर आपको मिला है चलने के लिए, लेकिन इंसान नासमझी की वजह से, गलत विश्वास की वजह से अपने एक पैर से दूसरे पैर को टकराने लगता है, कुचलने लगता है। दोनों पैर मिले हैं आपको चलने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इंसान दोनों पैर को लड़ाने लगे तो उस इंसान की क्या दुर्गति होगी, आप समझने का प्रयास करिएगा। पैर भी टूटेगा, पैर में भी दर्द होगा, और व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा। उसी तरह से जीवन अच्छाई और बुराई के बीच में झूल रहा है। आप बुराई करते हैं तभी तो अच्छाई का भास होता है, बुराई है तभी तो अच्छाई है। तो आप जो कुछ भी किए हैं अब तक के, आप कहती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके मैं पाप की हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ, तनाव में रहती हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया है, जघन्य अपराध किया है, तो ऐसा नहीं है, यह आपकी प्रकृति का हिस्सा है, उससे आपने गुजरा है, कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन धार्मिक विश्वास और जो परंपरागत विश्वास होता है उसका प्रभाव आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपका वजूद भी नकारात्मक होते चला गया है। तो आप अपने अंदर की नकारात्मक विश्वास को निकाल फेंकिए, और अपनी पूरी प्रकृति को समझिए और संभालिए, आगे बढ़िए जीवन में। यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी पूर्ण रूप से बुरा नहीं है, बस है, और अच्छा और बुरा के बीच में ही जीवन चलता है। मृत्यु एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है जो सबके जीवन में आएगा, पापियों के जीवन में भी आएगा, पुण्यात्मा के भी जीवन में आएगा। लेकिन जो व्यक्ति पाप और पुण्य के बीच में संतुलन बना करके चलता है वही सांसारिक व्यक्ति है। तो काफ़ी सारे लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी, थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें थी, यदि समझ पाए होंगे तो आप अपने अंदर की गलत बिलीफ को निकाल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।